नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं दिल्ली आज तक। वक्त आपकी प्रॉपर्टी का है। रियल एस्टेट सेक्टर की कमजोरी ने घर खरीदारों, निवेशकों से लेकर बैंकिंग सेक्टर तक की नींद उड़ा रखी है, लेकिन इसी प्रॉपर्टी मार्केट ने छोटे शहरों में अपनी धाक जमाने में कामयाबी हासिल की। अब टीयर टू और टीयर थ्री शहरों में प्रॉपर्टी के रेजिडेंशियल और कमर्शियल सेगमेंट्स अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। भारत में रियल एस्टेट सेक्टर की कमजोरी को अब छोटे शहरों, जिन्हें टीयर टू और टीयर थ्री कहा जाता है, उनसे मदद मिलने लगी है। इस ट्रेंड में बढ़ोतरी की बड़ी वजह छोटे शहरों में तेजी से विकसित होता इंफ्रास्ट्रक्चर और कम कीमत है। इसके साथ ही प्रवासी भारतीय निवेशकों के लिए भी पैसे लगाने के मकसद से ये मार्केट फायदेमंद साबित हो रहे हैं। जानकारों का मानना है कि सरकार की इस सेक्टर को पारदर्शी बनाने की कोशिश से निवेशक यहां पर आकर्षित हुए हैं। अब केवल वही निवेशक यहां पर आ रहे हैं जो लंबे वक्त तक निवेश के जरिए वाजिब मुनाफा कमाना चाहते हैं। पिछले कुछ महीनों में हमने देखा है कि इंस्टीट्यूशनल फंड्स एंड प्राइवेट इक्विटी फंड्स ने भी अपना रुझान टीयर टू शहरों की तरफ बढ़ाया है। इसके कुछ कारण हमें नजर आए हैं एंड सबसे पहला कारण है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के जो बेनिफिट्स हैं वो लेने के लिए टीयर टू शहरों के प्रोडक्ट्स की कीमत एंड यहां के बायर की आमदनी बिल्कुल परफेक्ट। एनारॉक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट के एक हालिया सर्वे के मुताबिक 26% निवेशकों ने टीयर टू और टीयर थ्री शहरों की प्रॉपर्टी में भरोसा जताया। सर्वे में दावा किया गया है कि 58% लोगों ने छोटे शहरों में अपने रहने के लिए प्रॉपर्टी खरीदी है। 42% लोगों ने निवेश के लिहाज से यहां पर प्रॉपर्टी खरीदी है। एनारॉक के पिछले सर्वे के मुकाबले ये आंकड़ा 10% ज्यादा है। छोटे शहरों में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के बढ़ते चलन ने अब वहां पर कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज की डिमांड में भी इजाफा किया है। इन इलाकों में प्रॉपर्टी की डिमांड में बढ़ोतरी की एक वजह अंतरिम बजट में किए गए कई ऐलान भी रहे हैं। इसमें मकान से किराए की आमदनी पर TDS छूट की सीमा 1,80,000 से बढ़ाकर 2,40,000 करना रहा है। इसके साथ ही कैपिटल गेन टैक्स पर छूट का दायरा, जो पहले एक घर पर निवेश तक सीमित था, उसे बढ़ाकर 2 घरों तक करना भी डिमांड में बढ़ोतरी की वजह बना है। इन दोनों वजहों से लोगों को किराए की आमदनी हासिल करने के लिए प्रॉपर्टी निवेश करना फिर से फायदेमंद नजर आने लगा है। इसके साथ ही रेरा के आने से भी लोगों का भरोसा बढ़ा है, जिसे GST रेट में कमी का दोहरा फायदा मिला है। हालांकि इन शहरों में रियल इस्टेट का दायरा अभी तक ज्यादा बड़ा नहीं था। अब जब यहां पर बड़े प्रोजेक्ट्स का निर्माण होगा और उनका पोजीशन लोगों को मिलेगा, तभी अपने सबसे बड़े इम्तिहान में ये सेक्टर पास हो पाएगा, वरना इसका हाल भी बड़े शहरों के अधूरे प्रोजेक्ट्स जैसा ही हो जाएगा। ऐसे में रेरा के साथ तमाम दूसरी एजेंसियों की भी जिम्मेदारी है कि ग्राहकों के हित के लिए हर हाल में सुरक्षित रहें। आज तक ब्यूरो।